मन करता है कि माँ की गोद में सो जाऊं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। घंटी हमने बजा दी, हम जाएंगे गेट के अंदर और थकान उतारेंगे पहले तो। जय 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 घर आ जाए। जय 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 जय। देखो भगवान ऐसी जगह पे बसते हैं जहाँ पे जाना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन भी नहीं होते, तो मज़ा आ रहा है। वैसे देखो अब हम जूते वगैरह खोलेंगे, शायद में बैठ। कई सालों से सोचना था यहाँ आने की। देखो कैसी कैसी चूड़ियाँ बज रही हैं, वाह। ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रसन्न हो गए मुझे देख। हमें बड़ी खुशी हुई है अखिल, अखिल ऐसा लग रहा है जैसे देवी प्रसन्न हो गई होगी हमको देख। जय हो पंडित जी, नमस्कार। सतगुरु जी भी आ गए, अब ये हमें मंदिर के बारे में बताएंगे। ये भी तो फेस इस तरीके से है मंदिर का। क्या व्यू है यार, खातर होता तब कोई राणा को ठिकाण भी नहीं थे कोई अच्छो। तो आज महाराज जी जब बेटे स्वामी जी आया तब बेटे जो सा बहुत उन्नति हुई है। बिष्ट थे वो जरदारी बिष्ट कोड़ियाओ को जरदारी बिष्ट एक जरदार को है कोई से जरदार को जरदार को जरदारी दगड़े तब बहुत ये का ठीक सामने पर बुरास खंडा मंदिर है। हां बटे का ठीक सामने पर सुरकंडा देवी मंदिर वाला। हां तीन तीन मंदिर एक कठा बस। हां तीन बहनी। हां हां तीन बहनी। तीन बहनी पानी पानी बिजली बिजली रोड रोड आने वाली रोड आने वाले। बहुत स्वामी जी ने जो था हमारे महाराज जी ने बहुत पहचान आप वहां। हां क्यों नहीं पहचानते जी। तो गाइस देखो भाई मुझे दुख इस बात का है कि अगर ये मौसम खुला होता ना यहाँ से और यहाँ तक आपको पूरा हिमालय दिखता है, यहाँ तक अगर बादल नहीं हो तो। वैसे देख सकते हैं हमारे जितने भी गांव हैं सब नीचे हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ से हम डेली जाते थे इस रोड से। डेली बोलता था मैं कि ये भगवान मैं वहाँ कब आऊँगा, आज मैं आ गया, आज मैं यहाँ से वहाँ की वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो सामने है ये है कन्याल गांव। तो भाई यहाँ से आते तो मैं मर जाता रास्ते में, अखिल भाई के लिए आफत हो जाती क्योंकि इतनी चढ़ाई नहीं है यार उसकी बात है ना। ये तो यहाँ देखेंगे एक खतरनाक वाला जंगल है। ये देखिए तो ये वैसे पुराना रास्ता था यहाँ से आने जाने का, जैसे कि
गहरी कोटी जोगत साइड, इस साइड यहीं से आते थे पैदल लोग, तो पंडित जी कह रहे थे। और प्रताप नगर थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ से, आपको शायद दिखना मुश्किल है, इसके पीछे है बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ से नौघर भी दिख रहा है, दमगांव भी थोड़ा दिख रहा है, ये देखिए आप, ये पुजार गांव साइड ऊपर, और ये न्यू भैंस साइड साफ दिख रहा है भाई यहाँ से। तो ये एक जो जगह चुनी जाती ना भगवान, जिस जगह वो चुनता है ना, वो जगह एक्चुअली होती चमत्कारी। अब यहाँ पे देखिए क्या खतरनाक खतरनाक पहाड़ देखो, सोच भी नहीं सकता कोई यहाँ आने की। ये देखिए तो ये रास्ता है शायद वहाँ से आने जाने का, कुछ रास्ता दिख रहा होगा आपको। और एक जगह ऐसी है जहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई छान वगैरह है, वहाँ दिख तो रही है वैसे छान। सुबह निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्यों छोटू? बिल्कुल सर। और ये जो सामने वाला व्यू है, ये सेम मुखेम वाला व्यू है, मतलब सेम मुखेम का जो मंदिर है वो ऊपर है और मैदान इसी हाइट पे है मतलब। तो दोस्तों काफी रिलैक्स मिलता है मंदिर में जाके, तो महीने में एक या दो बार आपको जाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका जो मन में कई सारी भावनाएं होती है वो सब ठीक हो जाती, फिक्स हो जाती मतलब। तो अभी कम से कम 20 या 30 मिनट हो गए यहाँ पे बैठे हुए, तो काफ़ी रिलैक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब घर जाने की तैयारी है। यहाँ की कुछ डिटेल्स मिलेगी तो आपको स्क्रीनशॉट वगैरह चिपका देंगे, तो चलो चलते हैं। अब टाइम है नागराज मंदिर दिखाने का आपको, जिसकी परिक्रमा कर ही लेते हैं। ये देखिए मंदिर, चलो तो आपको दिखाते हैं यहां से। तो व्यू भी देख सकते हैं, साथ साथ परिक्रमा भी हो रही है। तो दोस्तों फाइनली टाइम आ गया है एक अमेजिंग सी खूबसूरत और धार्मिक जगह को छोड़ने का। तो देखिए ये है माता देवी का मंदिर, ऑलरेडी मैंने दिखा चुका हूँ। और यहाँ पे जो बाबा जी बैठे हुए, इन्होंने हमें चाय भी पिलाई, तो लोकली हमारे पंडित जी, तो इन्होंने चाय भी पिलाई हमें और दर्शन भी करवाए। तो चले अंकिल भाई, हेलो चले। तो टाइम हो गया है चलने का। तो गाइस इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे बारिश हो रही है तो कैमरा वगैरह हम खोल नहीं पाएंगे। वैसे तो मेरा मोबाइल वाटरप्रूफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो बाय, टेक केयर। देख रहे होंगे मैं भीग भी रहा हूँ और पैदल भी चल रहा हूँ। ये एक कारण है, जो रायकटे गाँव के बच्चे हैं ना, ये बहुत शैतान है, बहुत बिगड़े हुए हैं, मतलब आप इस अंदाज़ा लगा सकते हो। पीछे के टायर की पूरी हवा निकाल दी इन्होंने, अब दो तो नहीं जा सकते इसमें। तो इस तरीके के लोग हैं, शायद इन्होंने पहले कभी ये चीज़ें देखी नहीं होगी। आजकल ज़्यादा जा रहे हैं ना वहाँ से लोग, इस वजह से बहुत बेकार लोग हैं। मिलता क्या है पहले, मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या मिलता है ये सब करके, कितने घटिया सोच है इनकी। मुझे तो बड़ी चिड़ मस्ती इनको लोगों को देख के, किस टाइप की मानसिकता है भैया आप लोगों की। अभी मिला क्या पहले ये बताओ, हवा निकाल के मिला क्या तुम्हें? पता नहीं यार। तो वीडियो एंड कर दिया था, फिर भी ये ऐड करना पड़ा मुझे क्लिप, क्योंकि कई लोग यहाँ के भी देखते हैं और कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होनी चाहिए महसूस, तब जाके पता चलता है कि हाँ कैसा संदेश जाता है इस गाँव के बाहर, तभी तो डांटेंगे अपने बच्चों को। चलो हम तो जाएंगे पैदल।